नमस्कार दोस्तों, फैक्टरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। समाज के बीच पहुंचे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं समाज के रहने वाले लोगों से, क्या कहता है समाज आसन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या कहना है। लगभग 2-2.5 वर्ष हो गए हैं डेरा के अंदर गुरु जी मौजूद नहीं हैं, तो क्या विचार है समाज के रहने वाले लोगों का, जानते सीधा लोगों से। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? रमेश कुमार इंसा जी। रमेश जी, 2-2.5 साल हो गए लगभग समाज के बीच सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी मौजूद नहीं हैं, तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ का? बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है जी, और नामदान के वजह से ही है ना सारा हिसाब किताब चल रहा है। अच्छे कार्य भी बंद हो रहे हैं, बहुत कम भाई संगत भी बहुत कम हो लग रहे हैं, संगत में भी अच्छे कार्य हर जाने गुरु जी आने के बाद में फिर वो ही। जब गुरु जी थे तो समाज से किस तरह से उन्होंने कुरीतियाँ ख़त्म किया है? कन्या भ्रूण हत्या में भी सहयोग कराया, और नशे के ऊपर तो भाई नाम दान देने के बाद में जगह जगह सत्संग लगाए हैं दूर दूर जाके ने, तो नाम वाले भी से भी है ना भाई नशे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, युवा ने भी छोटे हैं भाई, बुजुर्ग ने भी सभी ने छोटे हैं नशे। सत्संगों में वे किस तरह की शिक्षा देते थे? सत्संगों में ये भलाई के काम करने के ये शिक्षा पर जोर दिया जाता है। डेरा के अंदर किस तरह का माहौल है? डेरा के अंदर और कितने भी को रीसा माहौल जो से साफ सुथरा पवित्र जो है ना डेरा में माहौल है, ऐसा कितने भी को नहीं। गुरु जी का किस तरह का व्यवहार है? गुरु जी का व्यवहार सबसे बढ़िया है। गुरु जी का व्यवहार सा दिव्य, तो 6 करोड़ का करीब संगत आ रही है। क्या तो, आज समाज को उनकी जरूरत है? उनको इतनी जरूरत है कि कर्ण सुन रहे भी पर समाज को बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि युवा भी है ना भाई नशा में इतना बढ़ता जान लाग रहा है, हर चीज़ में गंदे काम होने लाग रहे हैं, और ये सरकार भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नाराज उठा था नाराज देने लाग रही है। जितना बेटी बचाओ का ऊपर जो डेरा सच्चा सौदा है जो मुहिम चला रखी नहीं थी, उसका किसी ने भी कौन चला रखी है। लास्ट में हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो सरकार से यही अपील करना चाहूँ कि भाई हमारे गुरु जी को जल्दी भी छोड़ दो, और सच्चाई को दे देखो। सच्ची बात ने तो दबान लाग रहे हैं, झूठी बात ने ओपन करने लाग रहे हैं।